Assalamualaikum जनाब एंड वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों से मिला है। हमें अपने मुल्क की कदर करनी है, हमें मिलके अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें ये सोचना है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। तो जनाब आइए आज के इस 14 अगस्त वाले दिन हम सब अहद करते हैं कि हम मिलके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अच्छा जनाब, जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, और बेफिक्री किस बात की है, क्योंकि मैं और आप आज़ाद हैं। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और बेफिक्र हो जाना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम हैं। तो जनाब इस बेफिक्री के मौके पे मेरे जहन में एक बात ये आती है कि यूफ़ो ने मुझे एक स्पेशल बेफिक्री इन अ बॉक्स भेजा है। 14 अगस्त का स्पेशल तोहफा है मेरे लिए। अब देखते हैं कि ये बेफिक्री बॉक्स में है क्या। यूफोन ने भेजे हैं ये चॉकलेट जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूफोन, एंड ऑल्सो दिस लवली लुकिंग मग विच सेज हमारी शान तुम ही तो हो पाकिस्तान। और जनाब ये तो मेरी चीजें, लेकिन आपके लिए यानी हमारे कस्टमर्स के लिए मार्केट में ये सुपर कार्ड्स अवेलेबल हैं, और ये तीन तरह के सुपर कार्ड्स हैं। 1 GB एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इस आजादी, ताकि आप खुल के आजादी से अपने प्यारों से बात कर सकें। तो जनाब इस आजादी बात कीजिए बेफिक्री के साथ, और मेरी तरफ से यूफोन की तरफ से आपको आजादी की बहुत बहुत मुबारक। जनाब आगे बढ़ते हैं, और मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत बेचैनी है, क्योंकि आपने प्रोमोस देख लें कि आज के शो के हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हैं बहुत स्पेशल, जो कि आपके लिए हमने बुलाए हैं, और वो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं, हमारे सुपर हीरोज हैं पाकिस्तान के, उनसे मिलवाएंगे। लेकिन हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। एंड टुडे एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया, हमारे पास सुपरस्टार्स मौजूद हैं, जो सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान के बहुत से लोग इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें, यानी इन आइकॉनिक पर्सनालिटीज को देखें, इनको फॉलो करें, तो सबकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। बहुत सादे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, अमेजिंग स्टार्स हैं, आप इनसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। यानी मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द शो आई एम एक्चुअली ओवरवेलम्ड, आई एम थिंकिंग यार कि ये दोनों इतने जबरदस्त लोग हैं, यानी वो कहते हैं ना इतना हैवी पैकेज है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कौन सी बात करेंगे और किस किस पहलू को टच करेंगे। दे हैव एक्सट्रीमली अमेजिंग लाइफ, मे बी पर्सनल या जो आपके सामने जिंदगी है वो भी इनकी जबरदस्त है। तो बगैर किसी मजीद डिले के हम सबसे पहले यहाँ पे दावत देंगे मेरे आपके हम सबके हीरो हम सबके प्यारे मिस्टर शाहिद आफरीदी लाला। प्लीज वेलकम। Thank you. कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है? जबरदस्त। Thank you. जबरदस्त, आप बताएं, फिट फाट लग रहे हैं माशाल्लाह। Thank you so much for being on the show. मैं पर्सनली इतना खुश हूँ आपको देख के, क्योंकि you're one person कि जिसको कभी हमसे कोई पूछता ना कि यार आप किस तरह किसको देखते हैं, कौन आपको लगता है कि बड़े जबरदस्त, तो आप उनमें से एक हैं यार, कि हम लोग देख के नाम खुश होते हैं कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है और इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम। थैंक यू सो मच एहसन, आपके प्रोग्राम की मैंने इतनी तारीफ सुनी, मैंने कहा यार ये मुझे बुला ही नहीं रहा यार। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर। और यहां पे वसीम भाई आए और मोइन भाई आए, उनके साथ जो शो था दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शो आई डिड ओवर। वसीम भाई जहां बैठे हुए हैं उनके पास तो इतनी स्टोरीज हैं, तौबा। उन्होंने तो सुष्मिता से इनकी स्टोरी भी सुना दी मुझे। अच्छा मैं समझ गया किस किस्म का प्रोग्राम है। अब आप देखेंगे। एनीवे जी 14 अगस्त की मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। और आपके दोस्त हैं नेक्स्ट हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, हमारे बहुत प्यारे हैं, और ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर, ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एंड नॉट ओनली अ सिंगर, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन, बिकॉज आई हैव सीन हिम डूइंग सो मच फॉर द किड्स स्पेशली। यानी कोई सिर्फ किड्स नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई भी इशू हो तो आप
सुनेंगे, इनके ट्विटर पे चले जाएं, इनके इंस्टाग्राम पे चले जाएं, इनको फॉलो करें, तो आपको पता लगेगा कि यार ये बंदा तो हर बात को रेज करता है, बिल्कुल सही बातें रेज करता है। जबरदस्त सिंगर है, हमारे आइकॉन है, सुपरस्टार है, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा आदमी। प्लीज वेलकम शहजाद रॉय। सर कैसे हैं आप? सही है इस डोगे, वो हमारे एक दफा गेस्ट आए थे, उनका प्रॉब्लम हो गया था, वो बहुत टाइट उन्होंने पहना हुआ था, बेचारे उठे नहीं पूरे शो में। ऐसा तो क्या मसला नहीं, दफा बैठ रहा हूँ, सही तरह बैठ जाता है। अच्छा, अब मुझे ये दोनों को देख के ना, क्योंकि वैसे मैंने देखा है बैक ऑफ द कैमरा यू गाइस आर क्वाइट कैजुअल, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन पब्लिक या कहीं लोग होते हैं तो देन यू आई हैव सीन बोथ ऑफ यू बिकमिंग अ लिटिल सीरियस। तो मतलब मुझे अब जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो जो वाइब है वो सीरियस वाली आ रही है या ये नॉर्मल है। हम पीछे जब खड़े थे तो लारा ने मुझे एक बड़ा जबरदस्त जोक सुनाया, सो वो फिर हमने डिसाइड किया कि ये हमने बाहर जाके नहीं करना, बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे बाहर जाके, तो अब हम यहाँ पर आके सीरियस हो गए। पीछे मुस्कुराते हुए गए हैं, जरा यार ऐसा तुम लोग बात कर रहे हो ना, सुन रहा हूँ ना गौर से, कोई मैं कोई अच्छी बात कर रहे हो ना, तो अच्छी बात हो, मैं तो माहौल के हिसाब से चलता हूँ। माहौल आप उठाओगे, माहौल आप बनाओगे, मेरे पे डाल दिए सर। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले ही हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं होप का देख रहा हूं, ये पहले मेरी तरफ से आपके लिए 14 अगस्त भी, और ये आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, और ये आप खोल सकते हैं, देखें बिल्कुल इसमें आप, अरे वाह यार, रोजमर्रा की चीजें हैं, शैम्पू एंड मैन का रेंज आ गया जबरदस्त, बिल्कुल ये आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए आपके। ओ लाला यार, ये है मार्केटिंग, ये सही चीज है यार। नहीं लेकिन ये मार्केटिंग एक अच्छे कॉज के लिए, हां इट्स ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा 14 शहजाद, यू डूइंग सो मच, ही इज डूइंग सो मच, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू ओपन अप 14 स्कूल्स, वन इन लाहौर, 8 इन कराची, और पता नहीं कहां-कहां, तो ये अभी बन रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, और कोई ऐसे नहीं है कि हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम पैसे कंस्ट्रक्शन पे नहीं लगाते, जो स्कूल हमें मिले हुए होते हैं, जो नहीं चल रहे होते उसको हम लेते हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो हैं वो ग्रीन क्रिस्टन ट्रस्ट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि शहर के तो बच्चे हमारे फैसिलिटीज़ मिल जाती है, अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, लेकिन असल जो सबब है हमारा कराची का, सिंध का, सिंध में वहाँ एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाए फाइनेंशियली पेरेंट्स सपोर्ट कर नहीं सकते, तो मेन जो हमारा वो है कॉज के बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो रोशनी है वो तालीम की वजह से, इल्म की वजह से फैली है, तो एजुकेशन का होना किसी भी रियासत जो है वो एक तो या तो इंसाफ या एजुकेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रियासतें स्टेट्स आपकी खड़ी होती हैं, तो बच्चों को पढ़ाना मैं समझता हूँ कि हमारी फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जबरदस्त है। सो द होल प्रोजेक्ट इज चैरिटी बेस्ड, लाइक पीपल लोग हेल्प आउट करते हैं, डोनेशन कहां पे, अगर डोनेशन किसी देने हो तो किस एड्रेस पे, कहां भेजें, कोई है ऐसा? हां बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है shahidafreedifoundation.org, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे नीचे भी आता रहेगा साथ साथ, तो आप लोग सपोर्ट एंड हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शो है तो एंटरटेनमेंट का, बट वी ऑल्सो हैव टू सपोर्ट द कॉज, के इतना मेहनत करते हैं, काम सारी जिंदगी लगा देते हैं। शहजाद यू आर डूइंग सो मच, आई रिमेम्बर डूइंग दैट चाइल्ड अब्यूज कॉन्फ्रेंस विद यू, एंड ऑन एंड ऑफ यू डू सो मच, और स्कूल भी चलाना, बच्चों के लिए काम करना, तो ये ख्याल कैसे आया जहन में कि यार मुझे इस तरफ ये वाला काम करना है? आई थिंक हम सब जो भी थोड़ा बहुत लोग जिनको जानते हैं अपने म्यूजिक के जरिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ म्यूजिक इज अ पावरफुल मीडियम टू स्प्रेड द वर्ड, सो वो एक तरीकेकार होता है जिसके जरिए आप आसानी से लोगों तक पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे अभी शायद यही कह रहे थे कि इंसाफ या एजुकेशन, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसाफ पे तो पार्टी बन गई है, एजुकेशन पे मैं शायद साहब से कह रहा हूँ प्लीज़ एक पार्टी बनाए, वो मान नहीं रहे थे, मैंने हम साथ आ रहे थे गाड़ी में, मैं इनको काफ़ी देर कन्विंस करता रहने को, नहीं यार मैं नहीं बना रहा, मैंने पूरा कन्विंस इनको, मैंने तो आए ना अगर मुझे मशवरा दे रहा, खुद भी ये बनाए मैं आ जाऊँगा, नहीं वो दूसरी वाली पार्टी समझ रहा है, ये यही बात जो मुझे कह रहा है ना, ये इमरान भाई को भी इसने यही बात की थी कि मैं पहले आप आए फिर मैं आता हूं और फिर नहीं है, गायब हो गया। अच्छा मैं वैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताऊंगा ही और हम बात करेंगे, बट मैं शाहिद को बाकी गाड़ी में इसलिए कह रहा था बिकॉज शाहिद बहुत डेयरिंग आदमी है, डेयरिंग इन द सेंस के इवन हम दोस्तों में भी नहीं पता होता कि किस बात पे आउट हो सकते हैं, सो जो डेयरिंग आदमी होता है वो बड़े स्टेप्स ले सकता है, इसलिए हम सब इनको डर होता है थोड़ा कम, मतलब बगैर सोचे समझे काम कर रहे हैं, जिस तरह से छक्के मारते हैं और सही काम रिस्क लिया। अच्छा मेरे लिए हमेशा ये होता है कि हमारी दोस्ती बहुत है,
तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं शाहिद का फैन बड़ा हूँ, बिकॉज जब हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं ना इनको, जिस तरह से मार रहे होते हैं छक्के, तो इट्स लार्जर देन लाइफ, यू नो, इट्स नॉट अ, ही इज नॉट अ क्रिकेटर, इट्स लार्जर देन लाइफ कोई चीज होती है। तो हमारी दोस्ती भी होती है, तो भी मैं शाहिद से ही कहता रहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं ज्यादा बड़ा फैन हूँ या ज्यादा अच्छी दोस्ती है हमारी। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा फायदा होगा इस मुल्क को अगर इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए, बट वो नहीं मान रहे, तो मैंने काफी कोशिश। अच्छा, कोई इरादा नहीं है या प्लान नहीं है मेरा? मेरे लिए ऐसा, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही प्लान नहीं है, मैं चलता हूँ, मुझे हर दिन के हिसाब से जिंदगी गुजारने का मजा आता है। मुझे नहीं पता कि मैं कल या परसों मेरा क्या प्लान होगा, मैं क्या करूंगा, क्या जो प्लानर बैठा हुआ है वो ऊपर बैठा हुआ है, बेस्ट प्लानर। तो मुझे हर दिन को मैं एंजॉय करता हूँ, हर दिन को उस तरीके के हिसाब से चलता हूँ। ऐसे नहीं कि आगे फाउंडेशन के मेरे प्लान्स नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है इस वक्त फिलहाल। वेरी नाइस, जबरदस्त है शहजाद। एक राज जो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं वो ये कहते हैं कि शहजाद रॉय को अक्सर लोग मिलते हो, कहते हैं हम बचपन से देख रहे हैं शहजाद, चेंज नहीं होता, ये क्या यार? वैसे ही है माशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि मैं क्योंकि गा बचपन से रहा हूं, मुझे कहते हैं कि क्या रीजन है कि ये आपकी एज नहीं बढ़ती, तो मैं उनसे कहता हूं मैंने उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ मैंने, एज नहीं बढ़ी, आपको स्टे मिल जाता है आजकल, गुड वन, तो मैंने स्टे लिया। कोई रजीम होगी यार, चलो ये तो स्पोर्ट्स मैन दे रिमेन like in the field, you know, all the time. What about you? Kuch nahi, main exercise bahut karte hain, unse inspire hota hu. Wo exercise I think ek aisi cheez hai jo aapko leke chalti hai. Bahut shahzad bahut khayal rakhta hai apna, bahut. Aur khane mein bhi khayal, khane mein itna nahi rakhte, but exercise wagera mein, yes. अच्छा जी, इनकी बच्चों की तस्वीरें तो हम देखते रहते हैं माशाल्लाह, आज कल परसों हर रोज, और स्पेशली कोई इवेंट होता है ना, जैसे 14 अगस्त है या ईद आती है, तो फिर तो आपकी फैमिली की तस्वीरें बहुत शौक से, बड़ा प्यार लोग करते हैं बड़ी। शहजाद की आज तक हमने कोई फैमिली की पिक्चर नहीं देखी, एंड आई डोंट, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड क्यूरियस, बट लॉट ऑफ पीपल आस्क। नहीं, मुझे असल में घर की तरफ से सब ये कहते हैं, यू नो, पर्सनल लाइफ को ज्यादा बाहर, उन सबकी रिक्वेस्ट यही होती है, बट लेकिन मेरा जो बेटा है वो अभी जानना सब लाजमी है, जो गाना था उसमें से ड्रम वम बजाया था, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब ज़्यादा आप फैमिली बाहर ले आए तो फिर मसला होता है, बिकॉज मशहूर होते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन इस तरह से चली जाती है। मैं बल्कि यही सोचा था कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो आईपैड पे स्क्रीन वो करते हैं, तो उसको जब कोई बंदा ठीक नहीं लगता था तो यूं कर रहा होता था, मूव कर रहा होता, यूज टू हो गया था, जितना बेहतर है इनको दूर रखे हुए, अचानक से बाहर आ जाए। वुड यू एवर वांट हिम टू बिकम अ लाइक अ सिंगर और एन आर्टिस्ट, वुड यू लाइक दैट? यार, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, क्योंकि पता नहीं वो क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे, तो वो अभी बताना बहुत मुझे मुश्किल लगता है। अभी मैं चाहता हूँ कि उसको जितनी अच्छी अच्छी चीजें, बट कभी ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों को जब छोटे होते तभी थोड़ा सा सोचते भी हैं और थोड़ा देखते भी हैं कि यार ये यूं होगा, ये यूं। यार एक चीज मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो मैं आई एम श्योर शायद भी बहुत चाहते होंगे, कि हम अगर उसको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर लेना तो टैलेंट तो वो पकड़ लेगा। हाँ, सही, अगर उसमें इंसानियत ठीक आ जाए ना, वेरी गुड, क्योंकि मैं अब वो देखता है अपने इर्द गिर्द, तो मैं देखता हूँ जिस तरह से हमारी सोसाइटी है। मैं उसको एक दिन वैसे ही बात करता, मैंने कहा कि हमारे यहाँ नेकी की एक्सपायरी डेट होती है, वो रमजान शुरू होता है 30 दिन बाद खत्म हो जाता है, और वो उतनी देर नेकिया की उसके, तो वो बड़े इस तरह के सवाल पूछता है, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको टैलेंट वैलेंट ड्रमर बनेगा, गिटार विटार क्रिकेटर, ये अलग बात है, पहले इस तरह की गुफ्तगु मैं सोचता हूँ उसके साथ करूँ कि नेकी की एक्सपायरी डेट 30 दिन नहीं है, ये पूरा साल चले। वैसे शहजाद इतना पॉलिटिकली करेक्ट होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार शहजाद से क्लासेस लेनी चाहिए अलग से, कि यार आई मीन ही इज लाइक दिस, कि कोई ना कोई अच्छी बात ही हमेशा करता है, कभी मैंने शहजाद को नहीं देखा कोई ऐसी बात, जज्बात में भी आके बंदा कभी कह देना, मैं पीछे खड़े होकर, मैं यार शायद कह रहे थे यहां पीछे खड़े होकर, क्यों यार यहां पे सामने कर रहे स्क्रीन पे कर रहे ना। अच्छा, सारी बच्चियों के नाम जो वो ऐसे शुरू होते हैं, खत्म भी ऐसे होते हैं, ये कोई खास वजह इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अक्सर हुई, अक्सर का नाम रखा वालिद साहब ने, एंड देन फिर अंशा का जब नाम रखा, अंशा नाम मुझे बहुत पसंद, ज्यादा पसंद था, एंड देन वो देखा मैंने, ए सी शुरू हुआ, ए पी खत्म, पर मैंने वाइफ के साथ किया, मैंने कहा जितनी भी बच्चे हमारे इंशाल्लाह होंगे ए सी नाम शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि एंडिंग भी ए सी ही हो रही है, तो पांचों बच्चों की एंडिंग इत्तेफाक है। ओह अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे पता है बुक में बड़े लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, और बुक लिखने का या अपनी बुक लॉन्च करने का इरादा किसी और का था, अपना था, और क्या मतलब उसमें स्पेशल, क्यों, व्हाट डू यू थिंक आई नीड टू हैव दिस बुक? यार, आप अपने फैंस के साथ 20-22 साल का एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर,
जब चैलेंजेस सामने हो तो किस तरह मुकाबला करना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ, तो वो सारी आप पूरी जिंदगी लिखते हैं और किताब के अंदर जाहिर बात है जब आप लिख रहे होते हो सारा कुछ सच ही होता है। और किसी ने मशवरा भी दिया, बस सिर्फ होना ये चाहिए था कि किसी जो राइटर था वो वजाहत ने बड़ी मेहनत की, बहुत काम किया, बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदा होना चाहिए था, उसको लिखने चाहिए थी वो बुक। बाकी ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लान टू राइट अनदर बुक, एक और मेबी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मेबी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जबरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतना दोनों ने इतना ज्यादा मतलब यू हैव सीन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में नाम और काम और इतने लोग फॉलो करते हैं, कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि यार ये ग्राउंड में जब मैंने ये किया तो तब बस मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ और पाकिस्तान का नाम, वो कौन सा मोमेंट था कि जहां पे यू एक्चुअली फेल्ट दैट? 2009 का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि वो श्रीलंका बम ब्लास्ट, वो सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, कोई टीम है पाकिस्तान आ नहीं रही थी, हाँ तो वो ओवरऑल थोड़ी सी मायूसी थी मुल्क के अंदर। और वो ऐसे मौके पे वो वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो सारी जिंदगी आप नहीं बुला सकते। एशिया कप का 2 छक्के उसकी एक अलग यादें हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपके साथ सारी जिंदगी चलती रहेंगी, सारी जिंदगी आपको याद रहेगी, ये मोमेंट्स आप भूल नहीं सकते कभी। बिल्कुल सही है। अच्छा शहजाद, यू टेल मी, व्हाट्स योर वन ऑफ योर फेवरेट मोमेंट दैट यू हैव गॉन अब्रॉड एंड यू आर सिंगिंग फॉर पाकिस्तान, और क्या ऐसा फील हुआ कि यार बस ये जो है ना दिल खुश हो गया? आई थिंक ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो बहुत दिल को खुशी देते हैं, बट एक जो मुझे दो बल्कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसलिए देते हैं बिकॉज शायद उसकी वजह से बहुत मिलियंस ऑफ बच्चे शायद बच जाएंगे, वो जब हमने सेक्शुअल अब्यूज से बच्चों को बचाने का करिकुलम जब हमने पूरे सिंध के अंदर तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया, और फिर अब पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, और फिर जब बच्चों को मारने का कानून जब 2012 में खत्म हुआ, दिस इज अमेजिंग यार। आई थिंक ये वो चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि हम सब बहुत पिटे हैं, यू नो, हम अपने स्कूलों में पिटे हैं और टीचर से पिटे हैं, कभी कभी घर वालों से भी, हालांकि मेरे अम्मी अबू ने कोई इतना उस तरह कभी मारा नहीं, लेकिन आई जस्ट थॉट कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात कम्युनिकेट करना, क्योंकि मुझे याद है ये बात कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त CFO को बुलाया था अपने एक इंटरव्यू में, मेरा जो प्रोग्राम था चल पड़ा, हम सब कह रहे थे, तो उसमें हमने उनसे बुला के पूछा कि भाई साहब आप क्या समझते हैं कि जो टीचर बच्चों को मारते हैं या माँ बाप मारते हैं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा यार अगर मेरे माँ बाप मुझे ना मारते होते ना तो मैं कभी CFO ना बनता, उन्होंने बेल्ट से मुझे मारा इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं गलत लोगों में पड़ गया था। मैंने कहा फिर तो आपकी पिटाई होते रहनी चाहिए ताकि आप CEO बन जाएं, फिर आप MD बन जाएं, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएं। तो ये माइंडसेट हमारे मुल्क के अंदर, तो इस माइंडसेट को चेंज करना कि बच्चों को मारने से ज़्यादा प्यार से तब्दीली ज़्यादा आती है और ज़्यादा बेहतरी होती है, तो ये एक बड़ा मोमेंट था लाइफ का। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। अच्छा फैन मोमेंट को बताएं, कुछ बच्चे प्यार से मानते भी नहीं है, होना चाहिए थोड़ी सी सख्ती के, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुट्टी चाट दें, वो कहते हैं कि प्यार का निवाला तो लेकिन शेर की नजर भी होनी चाहिए, बच्चों को बिल्कुल जरूरत है, बहुत सारे बच्चे, हर बच्चा एक जैसा 5 फिंगर्स बराबर नहीं होती, हर बच्चे को जरूरी नहीं है, ये नहीं, शहजाद की बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को चाहिए होता है, बच्चों को चाबी चाहिए होती है, ये माइंड सेट नहीं है, माइंड सेट बनाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता उनका बनाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार मैं बन जाऊं उधर अभी बैठे बैठे मेरी पिटाई कॉर्पोरेशन से हां कह देते नहीं, वो बात उनकी बड़ी साइकी इज टू अंडरस्टैंड। आप जब बाप बनते हैं ना आप रियलाइज करते हैं कि यार ये बात नहीं मान रहा, क्या करूं अभी, क्या करें यार, ये एक है मसला, बट अगर आपको तरीकेकार आ जाए ना मैनेज करने के, जो हम मैनेज करने का तरीका, ये गलत कह रहे हैं, नहीं इनकी तरीकेकार के लिए क्या माँ बाप के पास इतना टाइम है कि 24 घंटे अपने बच्चों को दे, वो तो स्कूल भी जाते हैं, उनकी गैदरिंग भी होती है, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दे दे, अपनी दुनियादारी छोड़ दे, 24 घंटे माँ बाप बच्चों के साथ रहे तो भी ठीक है, समझ आती है। कसम से यार आजकल के बाप, वो माँ बाप भी तो फोन पे, हर बच्चे को नहीं, का नहीं, मैं 100% शायद साहब से एग्री करता हूँ, अभी कुछ और कह रहे था 5 मिनट पहले यार, वो बोलेंगे उनसे एग्री करूंगा। अब ये बताओ कि सियासत में किसको आना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकली मुझे लाने की कोशिश कर रहा है, खुद देखो पॉलिटिकली सोच रहा है, बट वो इसका हाथ देगा हमने, हाँ 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 हाँ, तो वो तो मैं डिसएग्री, लाइव नहीं वो लाला, हाथ दिए रे मेरे। अच्छा मुझे ये बताए, फैन मोमेंट कोई बहुत ही इरिटेटिंग फैन मोमेंट होता है कि बस कोई पीछे पड़ गई, मतलब पागल
है या पागल? बहुत ज्यादा। क्या फोन पे या मिलके रास्ते फोन, में फोन मिलना घर के बाहर चक्कर, ये चलता रहता है, ये चीजें होती हैं। कुछ आप बहुत क्रेजी फैंस होते हैं आपके, हाउ डू यू डील विद दिस? यानी बस इग्नोर करना? मिल लेते हैं, समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि बस मिल लिया, ठीक है, हर चीज का अपना एक वक्त। मिल लिया से वो किसी ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, हुए इस तरह के वाकयात भी हुए। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, पहले कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करनी, दोबारा फिर बताना पड़ता कि शादी हो गई है। लेकिन मतलब और भी मजीद भी हो सकते हैं शादी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ शायद कोई क्या ये शादी वाला टॉपिक जो है ना यहाँ पे बंद कर दो। हाँ, ये प्रोग्राम देखना घर वालों ने भी है, बेगमों भी नहीं देख, और मैं यहाँ आने से पहले बेगम ने मुझे कहा है कि शादी के बारे में तुमने कोई बात नहीं करनी, शादी की कोई बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, ये बात तुम लोग मजे लेते हो, खैर मेरी नहीं होती। ये मैं चाह रहा था, ये मैं चाह रहा था कि कभी ये भी मैं सुनूं। अच्छा, हाउ डू यू डील विद क्रेजी फैंस एंड एनी क्रेजीएस्ट मोमेंट दैट यू फील कि यार ये तो बिल्कुल पागल हो गए, इनको तो जान छुड़ाओ यार। ऐसे बहुत सारे हैं, वाकयात होते रहते हैं, I'm sure सबके साथ, आपके साथ, इनके साथ तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। स्टेडियम में आते हैं तो कान पे हाथ रखना पड़ता है, सीरियसली इतनी जोर से आवाज आती है। वो तुम्हारा पूछ रहे, तुम अपना बताओ, अपना बताओ। अच्छा, मेरे लिए सबसे जो मसले वाली बात है ना, वो ये है कि एयरपोर्ट पे मुझे याद है, मैं बैठा हुआ था, सुबह 7 बजे की फ्लाइट सबसे बुरी होती है, तो मैं जा रहा था, ये आई एम श्योर सबके साथ होता होगा, तो बैठे हुए आप सो रहे हैं, एक बंदा आया, एक सेल्फी खींच, मैं कहा जी बिल्कुल आप सो रहे हैं सर, एक सेकंड वो कोड बंद हुआ, कोड एक सेकंड एक सेकंड सेल्फी मोड पे कर लूं सर, आप सो रहे हैं। और उसके बाद ये नहीं कहा सर ग्लासेस उतार दें सर, ये वो बड़ा आसान वक्त था कि आप एक ऑटोग्राफ देते हैं। और देख, और अभी रिसेंटली मैं, बल्कि जब कोविड जब खत्म हुआ, जब खुला, मैं जा रहा था तो एक बच्चे पठान हमारे थे और भाई, उन्होंने उनका बेटा था, तो वो तस्वीर खींचने आया, तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ था और छोटा था। मैंने कहा यार, मैंने तो मना किया, मैंने कहा यार नहीं करीब आओ, क्योंकि हो सकता है मुझे उसको लग जाएगा, हो सकता है मैं ये सिम्टोमेटिक हूँ, तो मैंने मना कर दिया, वो बेचारा चला गया। थोड़ी देर बाद उसके अब्बू आए, उसने आके कहा यार आपने मेरे बेटे के साथ ये किया यार। मैंने कहा क्या, मैंने इसका कहा कि इसने मास्क नहीं पहना हुआ था, इसने कहा, मैंने कहा अगर इसको कोरोना हो जाएगा यार, जिस तरह से तुमने इसका दिल तोड़ा है ना, जो उसको दुख हुआ है, उतना कोरोना से भी इसको तकलीफ नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, उनको पता है यार। सो ये एक अजीब सी चीज होती है, जब आप कुछ कह नहीं, आपको समझ नहीं आता, आप मना नहीं कर सकते, आप ना नहीं कह सकते। मास्क अभी जैसे आजकल हम लगा के थोड़ा कहते हैं यार चले दूर होके, सर मास्क उतार दें, मास्क नीचे आते हैं सर, ग्लासेस भी उतार दें, ग्लासेस सर, ये कैप उतार के बाल लियो, और अब तो टिकटॉक वीडियो शुरू होती है, वो पिक्चर के चक्कर में टिकटॉक वीडियोस बन रही है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट यू नो विद द फोन। या पहले ऑर्डर आप टिकटॉक तो बंद कराओ, तुम हर चीज के लिए आवाज उठाते हो, टिकटॉक बंद कराओ, ये क्या कभी बंद हो जाता है, कभी खोल देते हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तीन चार दफा बंद हो चुका, तीन चार दफा, चार दफा, ये क्या चक्कर है? अच्छा, यू डोंट लाइक दिस टिकटॉक? ना 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 ना, मैं टिकटॉक पर हूं नहीं, सो मैं जैसे आऊंगा तो फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी बेशक बंद करा दें। अब वैसे भी इस्लामाबाद जा रहे हो ना आप? हाँ, तो वहां से करके आ जाओ, मैं बंद करवा के आ जाऊँ, इस्लामाबाद से बंद करा के आ जाओ। शहजाद के लिए बहुत आसान है ये करवाना, शहजाद के लिए कोई मसला ही नहीं है। आपको क्या लगता है किसके लिए मसला नहीं होगा ये बंद करवाना? मुझे मैं समझ दोनों के लिए नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां पर किसी ने पाकिस्तान का नाम ना सुना हो, तो इसको शायद आप मुझे ये बताओ कि इश्यूज पे सबसे ज्यादा ये बात करता है कि मैं करता हूं, ये बताओ ट्विटर शूटर पे कौन नजर आता है आपको? शहजाद भी बहुत। हां, तो ये भी एक इशू है ना, टिकटॉक इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू है। वैसे टिकटॉक, वैसे आप क्या समझते हो इसे क्यों बंद होना चाहिए? अगर वैसे मैं यार देखो बात सुना, मैं आपकी एक बात बताऊं, मैं हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर तालीम पहुंची नहीं है, वाईफाई पहले पहुंच गया, तो वाईफाई चलाने के लिए भी आपको एजुकेट होना पड़ता है। आपको एजुकेट तो हो किसी चीज को यूज करने के लिए। हम किस तरीके से टिकटॉक यूज करते हैं, मुझे पता है कितने इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, पता ही नहीं है लोगों की यूज किया किस लिए किया जाता है, कितना किया जाता है। हमारे नई जनरेशन सारे बच्चों को देखो, यार 12 13 साल के बच्चे, उनके हाथों में मैं मोबाइल देख के हैरान हो जाता हूँ। मेरी बेटी अभी 19 साल की हुई है, अब जाके मैंने उसको मोबाइल दिया है। ये वो टाइम होता है कि बच्चों को अपने जो चीजें, जो गोल्स हैं, वो अचीव करने के लिए आप डाइवर्ट हो जाते हैं, बच्चे इन चीजों से फोकस डाइवर्ट हो जाता है। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है, तो ये मेरा बिलीव है। आप फिल्म्स देखते हैं तो उस पर लिखा होता है PG-13 है, मतलब एक रेटिंग होती है उसमें की। अब वाईफाई के अंदर बच्चों के लिए कोई कंट्रोल उस तरह का नहीं है कि बच्चे अगर वाईफाई पे चले गए एक दफा, तो माने सफारी पे चले गए या यूट्यूब पे चले गए, अनटेनलेस क्या आप मैनेज करें। अब माँ बाप को तो नहीं आता होगा कि इस पे कैसे आप पैरेंटल कंट्रोल लगाएंगे। तो ये एक मसला है जो कि बच्चों के लिए ऐसा एडल्ट कंटेंट फिर वो खुद भी बनाना शुरू कर दें,
ये डेंजरस तो है, इसकी इसकी रेगुलेट करना, पता मैं समझता हूं बैन करने से ज्यादा रेगुलेट करना जरूरी है। मतलब बिलो द बेल्ट चीजें होती हैं बहुत, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि ऐसी ऐसी हम वीडियोस देखते हैं जो मतलब शर्म आ जाती है, हैरान रह जाता है बंदा, बच्चे ने देख लिया किसी और, क्योंकि उसका कोई वो तो है नहीं कि यार किस एज पे, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और फिर ये एडिक्शन भी ऐसी कि बच्चों का, आई टोटली एग्री, बच्चे ऐसी चीजें जल्दी, जरा आपको तो पता है ना, फिर बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की आजादी से जुड़ा है पीटीसीएल के सफर का आगाज, यानी कि पीटीसीएल को 74 इयर्स हो रहे हैं इस आजादी। जनाब हम यहाँ पे एक ब्रेक लेके लें, कि ब्रेक पे जाते जाते आपको दिखाएंगे पीटीसीएल का लेटेस्ट कमर्शियल, तो देखिए। मिलकर चले जब कदम तो पैशन जगा दे, हर फील्ड में हम जीत अपनी दिखा दे, अब मोहब्बतों के रंग हम जमा दे, बढ़ती रहे जो दिलों में आओ आजादी जगा दे, एक है पाकिस्तानी यहां सबको बता दे, पूरे पाकिस्तान को जोड़े सिर्फ एक कनेक्शन PTCL। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारे साथ है लाला और शहजाद रॉय, और हमारे पास बास्केट एक मौजूद है जनाब, और बास्केट में बहुत प्यारे प्यारे तोहफे हैं जो हम किसी को देना चाहेंगे। तो हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं, हम इनसे ये पूछेंगे कि ये किसको क्या देना चाहते हैं। तो चलते हैं बास्केट की जानिब। पहला सवाल लाला आपसे पूछते हैं, करना आपको ये है कि क्रिकेट इंडस्ट्री में से किसी एक को, अपनी मर्जी के किसी शख्स को इसमें से कुछ देना है, क्या देंगे और क्यों देंगे? क्यों देंगे ये भी बताना है। अच्छा ये तो माइक नजर आ गया, ये मैं दे देता हूँ रमीज भाई को। अच्छा। रमीज राजा को बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये रमीज भाई के लिए ठीक है। ठीक है, तो और वैसे रमीज भाई के पास काफी माइक होता ही है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, और ये मेरी तरफ से ले ले एक और माइक। ठीक है, शहजाद रॉय, शहजाद रॉय ये बताइए कि इस बास्केट में से अली जफर को क्या देना चाहेंगे? जफर को वॉलेट क्यों? ऐसी जब खाना खाने जाए तो ये लेकर आए साथ। यूजुअली नहीं होता उसके पास। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कि जब पता तो चले यार, ये ले आए साथ। यानी आप चाहते हैं वो दो रख ले? एक रख ले वॉलेट, लेकिन जरूर ले आए जब डिनर हो रहा। बहुत मुश्किल से शहजाद ने कोई बात की, उसको भी बैलेंस आउट कर दिया, लिहाज से ऊपर नीचे की से कोई गलत बात ना निकल जाए। गलत बात कर देता हूँ, अब वो लोगों पर है कि वो पिक कर ले, मैं कंटिन्यूअसली नहीं बोलूंगा मैंने गलत। ठीक है, बस एक ही दफा हिंट का, हिंट अखरमान के लिए इशारा काफी है। जस्ट जोक, बड़ा बड़ा दिल है उसका, क्लियर कर दिया यार, फिर बोल के पिक ले। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। लाला ये बताए कि आप हरभजन सिंह को क्या देना चाहेंगे इसमें से? जी को, हाँ बच्ची को इसमें से क्या दूं मैं? है क्या इसमें? ये दे देता हूँ, ड्यूड्रेंट दे देता हूँ। हाँ अच्छी सही चीज नहीं है ये, रखा हुआ है आपने तो मैं मुझे यही उठाना पड़ रहा है ना, देना है ना। हाँ आप तो ये ना पूछना कि क्यों, नहीं मैं नहीं पूछ रहा, काफी है ना बताना कि ये है। ठीक है, ये उनके पास चला गया, भिजवा देता हूँ। ठीक है जी, शहजाद इस बास्केट से इब्रारुल हक को क्या देना चाहेंगे? अरे नहीं, ये दे दो। नाइस, एक बॉल। बैट तो है ना उसके पास? बैट, बैट तो वैसे भी बैट तो है, बैट ही बैट है, बॉल निशानी बैट है तो बैट तो है, बॉल चाहिए, बॉल दे, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, युवराज को क्या देना चाहेंगे आप लाला? यूवी को, यूवी को, यूवी का म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, उसको हर वक्त सुनता रहता है, तो यही दूंगा हेडफोन। ठीक है, जबरदस्त है। शहजाद रॉय जी, शहजाद ये बताएं म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई भी, जैसे नाम आयमा बेग का लिखा हुआ है, क्या देना चाहेंगे आयमा बेग को? यार मुझे इतनी छोटी लगती है कि मैं उनको ये बेबी स्पून दूंगा। छोटी से स्पून का क्या ताल्लुक है यार? कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्पून फीडिंग, माने बच्चों को आप
फीट का तो इतनी छोटी है कि मैंने हाउ नाइस आयमा दिस इज सच अ नाइस शी इज अ वेरी गुड सिंगर वैसे बहुत ओह अमेजिंग शी इज नो डाउट आयमा हमारे हमारे सामने तो इतनी छोटी बच्ची है ना वो तो इसलिए मैं हां अच्छा ये वाली और सोने का चम्मच लेके पैदा होना ये भी इसमें से एक बात ठीक है जी गौतम को क्या देना चाहेंगे गौतम गौतम को तो मैं यही दे ये ठीक है उसके लिए इसकी क्या वजह है भाई बस बोलता बहुत है मैंने कहा जबान उबान काट दूं इसकी मैं ये ले रे ये यार बड़ा खतरनाक काम कर दिया ठीक है जी कुछ बचा उसमें हाँ काफी सारी चीजें हैं तो वापस रख देते हैं ना किसी और को दोबारा डबल डबल भी तो दे सकते हैं ये फनी है वैसे इसके साथ कभी कभी जरूरत पड़ जाती चीजों की ज्यादा अच्छा जी हुमायूं सईद को क्या देना चाहेंगे हुमायूं सईद वो हर चीज पहनकर अच्छा लगता है वाह यार यार शहजाद जो है ना हाँ इसको वापस रख देते हैं इसको वापस ही रख दें फिर मलिक क्या देना चाहेंगे इसमें मलिक को मलिक को ये दूंगा मलिक को चाय का भी बड़ा शौक है अच्छा ये चाय के लिए हां चाय हां और बनाने का भी शौक है ज्यादातर काम घर के वही करता है तो ये ठीक है उसके लिए सॉरी मलिक अच्छी बात है ठीक है अच्छा जी हदीका क्या नहीं हो क्या देना चाहेंगे कुछ बचा ही नहीं इसमें अब इससे खेलते ना वाह है क्या भाई वो ना जो हवा से घूमता रहता है आपने फूल समझ के दिया है मैंने विंडमिल समझ के दिया घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी मुल्क के आई कुडंट फिगर आउट इफ इट्स अ विंडमिल और इफ इट्स अ फ्लावर नाइस ठीक है जी मोइन खान को क्या देना चाहेंगे मोइन भाई को मोइन भाई के लिए ठीक है बजा बेल टल्ली क्यों क्यों दे बंदा इसको क्यों बेचारों को बेल दे अच्छा ये बताना भी जरूरी है कि मतलब क्यों? ऐसे मैं चाह रहा हूँ मोइन भाई ऑफिस में बैठे हुए कभी फारे को बजाते रहें बैठे में बजाते रहें कुछ ना हो जब काम तो फिर इसको कुछ ना हो दे बजाएं बजाते ठीक है शहजाद अली अजमत को क्या देना चाहेंगे अली अजमत जो किसी को दे चुके वो भी दे सकते हैं मतलब अली अजमत हमेशा कहते हैं उनमें बड़ी रेज है अच्छा बड़ा ऐसे बंदे को तो छुरी पकड़ा दी तो यार बेड़ा गर्क कर देगा ऐसे आदमी को मैं सोच रहा हूँ छुरी ना दूं ना दे यार कुछ और दें उनको ऐसे आदमी को हम घंटी दे दें और वो भजन भी बहुत अच्छी गाते हैं ओ अच्छा अच्छा तो कमाल कमाल से भजन गाएंगे और वक्त पे ये स्कूल में भी इस्तेमाल हो सकती है नॉट बैड शेब अख्तर को क्या देना चाहेंगे शेबी को शेबी 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 बॉल ही दे देते हैं अभी ज्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बॉल ही दे कुछ दे दे शेब अख्तर को शेबी को दे सर शेब मैं पूरी टोकरी दे देता हूँ शेबी को मूड के हिसाब से यूज करता रहेगा अरे अच्छी बात है ठीक है जी निदा यासिर को देना चाहेंगे आप निदा को क्या देंगे ये चाय की पत्ती दूध की नहर जो जन्नत में बहती है उसमें मिला देंगे पत्ती Was it your status recently कि दूध की नहर अगर पाकिस्तानियों को मिल गई वहाँ पे उसमें पत्ती डाल देंगे तो ये आप निदा को देंगे जी जबरदस्त चाय बनाएंगे निदा उनका बड़ा जबरदस्त शो भी है मैं जरूर जाऊंगा अच्छा कब वो भी नाराज है इस बात पे लेकिन जरूर जाऊंगा फिल्म आ रही है शहजाद आपकी शहजाद ये शायद शायद एस एस वाले बैठे ना गेस्ट अपीयरेंस कर रहे ना कहीं पे किधर फिल्म में किसी में नहीं यार नहीं कोई भरोसा नहीं है ये कह देंगे आप मैं फिल्म में आ रहा हूँ आ जाऊँ कोई नहीं आप सुबह बैठे उसे कहा नहीं यार मुझे लगता है ये काम सही नहीं मैं नहीं आ सकता एक दिन डिसाइड कर दिया सुबह आपको जबरदस्त सा लॉजिक देंगे सुबह यार मैं नहीं कर सकता यार ये सही नहीं काम इतने कमर्शियल्स यू आर इन सो मेनी कमर्शियल्स एक्टिंग शूटिंग कुछ करना वरना वो आसान काम है या ऐसे लगता मुश्किल है काम है बहुत मुश्किल काम है आप लोगों की हिम्मत है और मैं आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ मुश्किल काम है यार और खासतौर पर पब्लिक प्लेसेस जाओ लोग इर्द गिर्द आपके खड़े हुए हो कुछ आज मैंने शूट्स किए हैं बड़ा मुश्किल होता है लोगों के सामने डायलॉग्स डिलीवरी एंड देन फिर कोई मेरे लिए मुश्किल काम है बड़ी हिम्मत करके वो शूट करता हूँ कोशिश मेरी ये होती है इंडोर हो और सिर्फ क्रू और मैं बल्कि दो तीन मैंने देखे वो एक जो च्युइंगम का एक एक्टर है वो बाहर इतनी मॉप दुनिया के साथ और उसमें कोई बहुत मुश्किल काम है ये आप लोगों की हिम्मत है भाई
लेकिन पैसे वैसे अच्छे मिल जाते इसमें ना, ऐसे मिलते हैं बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल आप फिर अपने आप को व्हाई नॉट। ठीक है, अच्छा भाई फिल्म जबरदस्त किस्म की, अलिफ नून। हाँ यार ये एक बहुत ही लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इस पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मतलब एक तो कोरोना से एक साल हो गया हम लोगों ने कोई फिल्म, डेढ़ साल से नहीं, तो इट्स बीन अ ईयर एंड हाफ और टू, नहीं हम तो इस पे दो तीन साल से बल्कि ज्यादा से लगे हुए हैं, और फैसल डायरेक्ट कर रहा है इसको, फैसल कुरैशी जो, और सो लिखी किसने, फैसल ने लिखी और अभी हम बहुत जल्दी इन अबाउट अ वीक्स टाइम हम अनाउंस कर देंगे सारी जितनी भी कास्ट है इसके अंदर, और वी शूटिंग इन सितंबर मोस्ट ऑफ। क्या नाम बताया फिल्म का, अलिफ नून, अलिफ नून जो पुराना अलिफ नून आता था ना, अच्छा ओके उसको दोबारा, अच्छा उसको दोबारा, तो कास्ट तो हम सुन ही चुके हैं वैसे, नहीं वो वैसे मैं 14 अगस्त के हिसाब से बता रहा था कि वो बाद में आएगी। यार ये क्लिप तो आज निकाला था यार कास्ट वाला, मैं शहजाद क्या है यार, अपनी तरफ से कैलकुलेट मैंने यही किया था कि आगे आएगी, लोग सब समझ रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं जो तुम कह रहे हो, नहीं महवेश है और कौन है, यू महवेश, फैसल और भी और बॉस, मैं बता दूंगा सारे। अलिफ कौन बना हुआ है, मैं अलिफ, और नून कौन बना हुआ है, फैसल, फैसल कैसे नून बनेगा यार, नून आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां वाकई ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट, आई मीन ही इज वेयरिंग दैट, ही यार सब बता दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए बता नहीं सकता। ये फैसल का पूरा नाम क्या है, फैसल कुरैशी, अच्छा फैसल कुरैशी, अब वो है भी नून, नहीं नहीं वो हो भी अलिफ, वो अब थोड़ा कम पतला हो गया, वो इतना वैसे ट्रेनिंग करता रहता है, मैं देखता रहता हूं क्रिकेट खेलता रहता है, एक है फैसल कुरैशी, एक मिनट कौन से वाले फैसल की बात कर, फैसल कुरैशी जो एआरवाई पे था, पे बोल चैनल पे, नहीं 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 कौन है फैसल, वो एक्टर है, होस्ट है जबरदस्त, एक फैसल कुरैशी है जो पॉलिटिकल शोज करते थे, ये फैसल कुरैशी है जो एड्स बहुत ज्यादा करते थे, अच्छा फनी जो एनसीए के जो एसन रहीम, हां मैं समझ गया समझ गया, एसन रहीम के साथ सारे कमर्शियल्स बहुत ज्यादा, वो डायरेक्टर है बड़े जबरदस्त, वो एक्टिंग और वेरी वेरी सुपर टैलेंटेड, अच्छा वेरी गुड राइटर, लिखते तो हैं ही और अब वो डायरेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म, इट लाइक अ रोमांटिक लव स्टोरी, इज इट कॉमेडी क्या यार, वो जैसे अलिफ नून करते थे हमेशा, उनका एक कोई सटायर था लेकिन टंस, अब ये है कि 21st सेंचुरी में जो भी अलिफ नून को जानते थे, अब वो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आ गए अलिफ नून, तो आप सोच रहे हैं वही तमाम चीजें जो वो पहले करते थे, अब वो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर वो तमाम चीजें कर रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह, ऑल द लक फॉर द फिल्म। अच्छा लाला ये बताएं कि आपने इतना माशाल्लाह कुछ अचीव किया है जिंदगी में, now the charity work that you're doing wo bhi ek bada successful aur bada uska naam hai, aur you're doing so much, aur agar profession wise dekha jaye to you've done wonders, yani jo mashallah mashallah, yani we are so proud of it ki jo koi kabhi khwab dekhta na insaan ke mujhe ye achieve karna hai to allah ne wo aapne ko diya hai, koi aisi cheez jo ab aap chahte ho yaar ki mujhe ab ye karna hai, wo kya hai zehen mein aapke, jo khwahishat to aapki khatam hoti nahi hai kuch na kuch, lekin ek cheez जो मुझे समझ आई है, क्योंकि अपने लिए मैंने जो करके देखा ना, अपने लिए आप सारी ज़िंदगी तो करते ही रहते हो, और वो कहते हैं कि आपका अपना पेट भर नहीं सकता, ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली है दूसरों की हेल्प करने से, दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आने से, वो सेटिस्फेक्शन बड़ी कम आती है, वो बहुत ही कम होती है वो सेटिस्फेक्शन, तो अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में कोई चेंज लेके आना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इबादत भी है, नेकी भी है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ने किसी मकसद के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ज़िम्मे रखी हैं, और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है या इतना कुछ दिया है उसको, तो उसको दूसरों के लिए भी ज़िंदा रहना चाहिए। सही, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जरूरी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अच्छा कभी कभी हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं ताकि और लोगों को भी तरगीब मिले, लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है, एक होता है ना बीच में लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल जो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपकी तस्वीर कोई देख ली कि किसी को हम कुछ दे रहे हैं, तो मुझे भी कभी मैं भी अगर चैरिटेबल काम करूँ या क्योंकि अच्छा काम करने जाऊँ तो नेचुरली वीडियो इसलिए बनाते हैं या लोग कहते हैं कि ताकि बाकी लोग भी आप आए, और तो उस पर क्रिटिसाइज जब कोई करता तो हाउ डू यू डील विद इट। ये शुरू में आई थी जब हम मैं 4 महीने से पूरे पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो फूड ड्राइव पता नहीं वजीरिस्तान चतराल वगैरह हर जगह गया मैं, गिलगित वगैरह, और उसके बाद से लोग शुरू हो गए कि ये तो बड़ा दिखावा कर रहा है। अच्छा वो चीज़ एक इस मुल्क के अंदर सच बोलना और अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल भी है, मुश्किल है, तो अब जहरी बात फिर मैं आके मुझे बताना पड़ा कि जी हम इसलिए शेयर करते हैं तस्वीरें वीडियोस, डोनर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको आप भिजवाते हो, जहरी बात है वो देख के आके उनको पता चले कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, किन जगहों पर लग रहे हैं, उनको बताना पड़ता है, तो कुछ आज जो नेकी के काम है वो दिखावना भी चाहिए, उसमें भी फायदा है, आप डोनर्स को दिखाते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं,
कि हम ये काम कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करें हमें इस काम के लिए। सर ये तो क्रिटिसाइज कोई करता है तो वो उसकी अपनी सोच है। मुझे इन चीजों की इतनी फिक्र नहीं, मुझे पता है कि इस मुल्क में सच बोलना और अच्छा काम करना, सही काम करना मुश्किल है। अच्छा, व्हाट डू यू से शहजाद, हाउ डू यू डील विद दिस? यानी आपने तो भला ये काम किया, लेकिन किसी ने बोला कि यार अब शहजाद ने पब्लिसिटी के लिए कर लिया। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि कोई इंसान कोई भी काम करता है वो क्यों करता है? इंसान असल में सेल्फिश है, ये बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान, इंसान जो भी करता है वो अपने लिए करता है। तो अगर एक आदमी को तकलीफ, अगर आपके साथ कोई बंदा है वो तकलीफ में है, तो आप उसकी जब हेल्प करते हैं ना, तो भी आप अपने आप को ही सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज़ आपको तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो तकलीफ में है। ठीक है, खुद को एंड ऑफ द डे अपनी सुकून हासिल करने के, अपने सुकून के लिए आप अगले की हेल्प करते हैं, बिकॉज यू फील बैड यार कि मुश्किल के अंदर है। सो अगर आप अच्छा काम करते हैं, और मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ कि अगर कोई ये कहते हैं कि भाई शायद आफरीदी ने बैग डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे पाकिस्तान में जाकर, हमने एजुकेशन रिफॉर्म किए, एहसन ने चाइल्ड अब्यूज पे ड्रामा किया या आवाज उठाई, और देखें शो, तो शो ऑफ भी ना माने, ये बताएं भी ना कि हमने, ये आपको अच्छा लगता है सुन? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुन के जब मुझे कोई कहता है कि आपकी वजह से लॉ पास हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा, यही तो मेरी के लाइफ का। हाँ ठीक है, सही है। अब इनको अगर कोई आके कहता है आपने इतने सारे लोगों में बांटी चीजें, इनको पैसे तो नहीं कमाने, इनको बाकी चीजें तो करनी नहीं, फेमस होने की जरूरत नहीं दुनिया, मतलब उससे ज्यादा माशा, तो माने आप यही एक क्या कहना आपकी जिंदगी में कि चार लोग आकर कहते हैं कि यार आपकी वजह से इतनी इंसानियत का भला हो गया, ये कहां से वो, मुझे तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ जो करता है और उसका दिल करता है वो बताना चाहे, आप बिल्कुल बताएं। देखें लोगों ने कुछ कहना होगा तो आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा कहेंगे, आपको कभी भी लोगों के लिए सोच के काम नहीं करना चाहिए, वरना आप सारी जिंदगी लोगों के लिए, वो कहते हैं ना जब आप भीड़ के पीछे भागते हैं तो आप भीड़ में ही रहते हैं, फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज़ यू ओनली फॉलोइंग द मॉब। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है, फ्लाइट भी है तुम्हारी। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जाने पड़ेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद लाला एंड शहजाद रॉय। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और आप सबको एक मरतबा फिर से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। शहजाद आपको भी बहुत मुबारक हो 14 अगस्त पे, हमारे मुल्क के लिए आप दोनों इतना काम करते हैं, मुल्क वालों को कुछ कहना चाहेंगे सामने देख रहे हैं सब लोग? दोनों यार, अब पहले आप गए ना, अब बड़े कुछ गा के भी कह सकते हैं यार। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, कह दे रंग बदलना है, ढलना है नई तकदीरों में, ढलना है तुझ जिसका है इंतजार, तुझ जिसका है इंतजार, तू खुद है मेरे यार, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या बात है, क्या बात है यार। हां सर आए, केक काटेंगे आज, केक काटें, आए इधर आए बॉस, इधर आए। ये 14th अगस्त स्पेशल केक है जो मिस्टर शाहिद आफरीदी से एंड शहजाद रॉय दोनों से, प्लीज शहजाद भाई आ जाएं। हे नाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कट गया क्या बात है। सर ये खा सकते हैं, एडिबल आप खाएं थोड़ा सा। अच्छा मैं ले लेता हूं, आप भी खाएं शराब, आप खुद ले लोगे? मत खा ले यार, खुशी से बहुत सेहत का बहुत ख्याल रखता है ये लड़का। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ऐसा आपके लिए भी है। हाँ यार, हाँ मेरा मतलब तुम्हारी सेहत और अच्छी हो जाएगी। अच्छा जनाब हमारा, थैंक यू। एक हमारा ये सेगमेंट है छुट्टी बंद, इस सेगमेंट में होगा ये कि स्क्रीन पे सवाल आपके सामने हम रखेंगे और आपको जवाब देना है। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो हमारे ट्रेजर बॉक्स में बड़ी जबरदस्त चीजें जो 14th अगस्त से रिलेटेड हैं, ठीक है, इट कुड बी अ बैज, इट कुड बी अ स्कार्फ, इट कुड बी अ कैप। यार वैसे एक बात बताऊं, 14th अगस्त के बारे में अगर आप पाकिस्तान से मुश्किल डेट्स वगैरह पूछेंगे ना, पाकिस्तान के लोग बड़े इंटरेस्टिंग है, वो कहेंगे यार इनको तो डेट नहीं पता थी, तो पाकिस्तान ही नहीं है।
एक बोलने के ये इसने इस चीज का भी प्रेशर ले लिया है पहले से ही और वो हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा ये आयत सुना आयत नहीं आती थी आप तो मुसलमान ही नहीं आपको डेट नहीं पता पाकिस्तानी सीरियसली ये होता है मैं बता रहा हूँ आपको अभी गुनगुना के सुनाया अभी इसने कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है फिर फिक्र किए जा रहे हो तो लोगों की फिक्र नहीं है पहले से ग्राउंड सेट किया है अपने लिए करता है अगर कि अगर कभी हो पता सब कुछ है इसको पता सब कुछ बिल्कुल एक्सपोज कर दिया अच्छा लेकिन इसमें गैप्स इस शो में अक्सर लोग एक्सपोज होते हैं लेकिन ये कि इसमें विग्स भी है हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी यार जेल लगा बाल नहीं पड़ा दो हिस्से में आएगा वो हम दोनों एक साथ तैयार हुए हैं नहीं ये तो स्पोर्ट्समैन है ये तो मुझे पता ही हैज अ स्पिरिट बट शहजाद यू हैव टू प्ले दिस गेम देयर इज नो एस्केप मैन हसन आज मैंने इस लड़के को देखा इतना टाइम लगाता है तैयार होने में शीशा टूटने लगा था बस कर दे भाई ठीक लग रहा है सारा कुछ झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है असल में हुआ कि हम दोनों साथ तैयार हो रहे थे हम इकट्ठे थे और साथ तैयार हो रहे थे ये कब से तैयार हो रहे थे मुझे पता नहीं है जब मैं पहुंचा तो ये तैयार हो चुके थे मुझे तैयार होना मैं इनके सामने मेरे बाल उसने जो है ना वो हेयर स्प्रे स्प्रे मारना शुरू किया मैं नहा के ऐसे ही चला गया था उसने हेयर स्प्रे स्प्रे मारा कहा यार तू कितना टाइम लेता मेरे बाल बड़े ना थोड़े से यार और फिर इतनी मेहनत की उसके ऊपर अगर विग रख देंगे तो यार खराब मैंने देख लिया ये बंदा मुतमईन नहीं हो सकता आराम से ये पूरा टाइम लेता है अपना मैं पहन लूंगा विग पहन लूंगा विग पहन ठीक है सही है ओके डन पता चल निकल किसी और किया है मैं शहजाद को इसको पहना तूने निकाली पता वही निकल आई वही निकल नहीं मुझे ये पता दोनों के अपने बाल है अच्छा जी पहला सवाल स्क्रीन पर देखते हैं और पहला सवाल ये है इन व्हाट ईयर डिड पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन 1974 1998 2006 किसने जवाब देना है दोनों में से कोई भी दे दे जवाब जिसको आता है 1998 जवाब सही है बिल्कुल सही है ठीक है जबरदस्त है नेक्स्ट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय हफीज जलंधरी इन ईयर 52 54 या 56 52 जो पता हो तो वो तो बताए बंदा जो ना पता हो मना कर दो मुझे बताना जरूरी है ना बता दिया ना ये तो जब अगर गलत बताया तो अगर मैंने गलत बताया मना कर देगी गलत है तो दोनों फंसेंगे ना 52 चले 52 नहीं लेकिन अगर ये सही हुआ तो जिसने पहले जवाब दिया उसका सही होगा हाँ जहरी बात है पहले मैंने जी है नहीं जिसका गलत पहले होगा उसको आप सजा देंगे ना नहीं सही पे तो सजा है ही नहीं ना सही पे तो नहीं लेकिन जब पहले जवाब देते फिर तो दोनों ही दूसरे को देख के जवाब सही है मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सही है जवाब टोपी पहना ये समझ नहीं रहा इसको टोपी पहननी है टोपी पहननी है इसको नहीं ये पहली नहीं यू हैव टू चूज कुछ और भी निकल सकता है यार चूज द नंबर नहीं किस चीज के लिए सवाल ट्रेजर बॉक्स में अब आपको कुछ मिलेगा तोहफे में अब ये चूज करना है समथिंग नाइस आल्सो सेवन नंबर सेवन नॉर्मल चीज है यार हैट है देखते कौन सा हैट है ना इसकी किस्मत में थी टोपी अबे यार ये तो बोला टोपी अबे अभी बोला छह पे उन्होंने टोपी लिखा हुआ है चार पे कुछ और लिखा हुआ है कैसे पढ़ा यार लकी सेवन लकी सेवन हैट ये यार इसके बाल खराब नहीं होंगे कूल हैट है यार ये देखे खराब भी अच्छा लग रहा प्यारा लग रहा है कूल है यार पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है यार ठीक है जी अगला सवाल मेरी तरफ गौर से देखते रहे सब अगले सवाल का जवाब नहीं मिलेगा सवाल ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश एट कराची सामने से तो हट सो कराची बड़ा शहर था वहां कराची कराची क्या कराची शहजाद ने बोला कराची आपने बोला कराची तो आप दुरुस्त है दोनों का हम इतने मुश्किल सवालों के जवाब दे रहे हैं और अपने ये टोपियां शोपियां रखी हुई हैं हमें देने के लिए ये तो अगर आप जवाब 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 दे रहे हैं फिर तो नहीं मिल रही ना आपकी टोपियां कुछ और रख टोपी लेते तो सिर्फ जवाब सही जवाब पे कुछ और रख लेते हैं मैं आपका प्रोडक्ट रख सकता हूं इसके अंदर ताकि वो मिले यार दोनों का सवाल दोनों का जवाब सही ऑल्दो शहजाद वाज स्लाइटली लेट बिकॉज़ आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस
के अंदर तो जबरदस्त किस्म का रेडियो स्टेशन है और उसकी बिल्डिंग और सारी चीज बड़ा एक हिस्टोरिकल वो है। ये थोड़ी देर के लिए उतार सकते हैं? मैंने नहीं उतारी, खुद गिरी है। मैंने नहीं उतारी भाई, वापस रख देते हैं। सवाल हो गया था। नहीं 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 नहीं, बालों को नहीं छेड़ो, बहुत टाइम लगाता है। कितना टाइम लगा था यार? बहुत टाइम लगा, लगाओ बाल तकरीबन जल जाओगे। अब ये हिलाएगा दो तीन बार फिर गिर जाएगी क्या? ओके चलो यार हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके दिस योर्स नाउ। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन पाकिस्तान? जी शेख रशीद साहब बताइए जी। 11,881 किलोमीटर, 9,843 किलोमीटर, 8,512 किलोमीटर। मैं अगर मारूंगा तो तुक्का ही मारूंगा, बाकी मुझे नहीं इतना कंफर्म नहीं हूं। आपको इस बात पता है? वैसे आई गो विद ए, आई गो विद ए, लेट्स सी। यू डोंट हैव टाइम शहजाद। 11,000 ए। सेड ए आल्सो? यार मैं जो जवाब दे रहा हूं आप भी उसी को वो कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो। बी बी 9000। शहजाद ने कहा बी और लाला ने कहा ए। देखते जी सही जवाब बताइए कौन सा है। ए जरा यार देखो क्या तुक्का मार रहे हैं, जानबूझ के कुर्बानी दी है शहजाद। यार क्या कुर्बानी दी है, हर दफा सेम सेम चीज सुनी हो सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गलत चूज कर रहा। अच्छा इस बार आपने पहले जवाब देना, मैं सेकंड। हां ठीक है मैं पहले दूंगा। लेकिन अगर वो सही हुआ तो फिर आपको गलत माना जाएगा, आपको नंबर चूज करना पड़ेगा। ये कुर्बा आपको उठाना फिर इसमें से कुछ आपको सर अगर ये जवाब देंगे और मैं उसको सेकंड करूंगा कि हां ये ठीक कह रहा है, उसमें ऑप्शन दे रहे हो ना आप, तीन ऑप्शन दे रहे हो सर। ठीक है मैं आज रूल चेंज कर दूंगा आपके लिए, जो आप कहेंगे वो होगा। हां जी नंबर चूज करें। हां जी अच्छा नंबर 9। यार, nice. ये बार बार नंबर भी मैं चूज कर रहा हूँ, ये भी मुझे मिल रहा है, उससे नंबर चूज कर रहा हूँ यार। यार ने जवाब सही दिया भाई ने, ये खुद ही तो कुर्बानी का निजाम है। उससे कुर्बानी भी उसने कहा ठीक है मैं भी आए मास अच्छा लगेगा ना इसमें आए मास क्या चले पाकिस्तान ये यार क्या यार उसे कोरोना है ये किसी ने टच ये अभी आए ये फ्रेश है हम पहली बार यूज कर रहे हैं ये सिर्फ 14 अगस्त के शो के लिए बनवाए हैं आपने उसको हाथ लगाया है कितना अच्छा लग रहा है क्या बात वाह अच्छा लग रहा है वाह यार बेटे के लिए सही कूल लग रहा है यार नाइस कूल। अगला सवाल डैश इज द फर्स्ट प्रोविंस टू गिव फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी इन पाकिस्तान केपीके पंजाब या सिंध केपीके यस केपीके जवाब दुरुस्त है दोनों का पाकिस्तान डिफीटेड द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इन टेस्ट सीरीज 19 इयर्स 10 इयर्स या 30 या 17 इयर्स क्या मतलब तो आपको पाकिस्तान के झंडे की तुम चूसनी भी ला के दे दोगे मुंह पे लगा के वही बैठा हूँ यार मैं अगर इस पे तुक्का लगाऊं ना जहां तक मेरी याददाश्त है ना मेरे ख्याल में 17 साल का कह सकता हूं इसलिए कि सीरीज जीत ही नहीं पा रहे थे साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग थी 17 जवाब बिल्कुल सही सही है बिल्कुल सही है अच्छा कभी नहीं भी पता होता यार हालांकि वो टीम उसके गलत करवाओ ना यार क्या हो गया मैं वो सोचूं कि हो नहीं रहा गलत यार ठीक है अगला सवाल स्ट्रांग टीम थी साउथ अफ्रीका ठीक है जी यार ये तो सवाल थोड़े रह गए चीज ज्यादा यार सवाल और डालो यार अब मुझे समझ आया बहुत लकी है शायद अफ्रीदी है ना बहुत लकी है अच्छा इतने सही जवाब किसी ने दिए इस प्रोग्राम में आज तक नहीं कोई इनाम ही नहीं रखा फायदा
लो यार ये डब्बा लेके होप इनाम रखे ना, मुझे देख के हंसे आप, एंजॉय करेंगे। आपने अपने हिस्से के नाम ले लिए। अगला सवाल, द ओनली कंट्री विद व्हिच पाकिस्तान शेयर्स अ मैरिटाइम बॉर्डर नॉट द लैंड बॉर्डर इज ईरान, ओमान या यूएई। The only country with which Pakistan shares Oman. Oman. Obviously Oman. हमने ओमान से port लिया था, हमने खरीदा था port. यार मैं भी खेल रहा यार, मेरी इतनी अच्छी अच्छी wigs पड़ी रह गई यार। कौन से नंबर में wig बताओ? नहीं सवाल पूछा कितने का खरीदा था क्या? हाँ वो बताओ कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था। अब हर चीज मैं बताऊंगा, तुम भी थोड़ा हिस्सा डालो अपना, बताओ कितने का खरीदा था भाई। डायरेक्टर साहब एक सवाल तो गलत कराओ ना, इसको कुछ बनाओ यार, इंटरेस्टिंग बनाए शो आप अपना। अगला सवाल, जवाब अगला, मुश्किल अगला नहीं है, अभी गूगल कर लेंगे। ओके, लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, एके फजल हक। लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय हुम आउट ऑफ दीस थ्री। चलो यार, यार मैं 50-50 अगर हूं ना तो आई गो विद सी। मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तू शायद गलत जवाब, तो फिर मैं नहीं दे रहा ना, इसे दे दिया बस ठीक है। नहीं तो अब ये क्या, कोई नहीं, अगर जवाब नहीं भी देगा उस पे भी अभी उठानी पड़ेगी अपना पसर की आवाज। हां यार ये उठानी पड़ेगी, मैं नहीं खेल रहा, पर्ची उठानी पड़ेगी। आउट हो गया, मैं नहीं खेल रहा, मैं बैटिंग नहीं दूंगा। ही इज राइट, यू नो ही इज राइट। यार ये स्क्रिप्ट का है, ये स्क्रिप्ट का है, ये प्लांट शो है पता है। शुक्र है यार मैं पता, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। हां जी नंबर चूज करें शहजाद, ना रिप्लाई नहीं था यार, नंबर चूज करें। 1 नंबर 1 नंबर, हु इज नंबर 1 एंड व्हाट इज नंबर 1। बैज है यार, बैज बैज ये लीजिए, बैज लगाएं यार, ये तो कूल चीज है। ये आपको तमगा दिया गया है, आप जो माशाल्लाह इतना अच्छा एजुकेशन में काम कर रहे हैं उसका तमगा ही आपके लिए। आइए जी, 9th क्वेश्चन। सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज दिस, यानी सिल्वर फाइबर किसको कहा जाता है, राइस, व्हीट या कॉटन? कॉटन। क्या है? कॉटन। कॉटन, हाँ जी। नहीं कुछ और ले लें आप, मैं कुछ और कहूँ, हर चीज से ग्रीन यार करें। तीनों चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस मुल्क के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉटन मैं आपके उसके साथ हूँ, लेकिन मैं ए ले लेता हूँ, चले मैं एक राइस कह देता हूँ। आपने कहा ये क्या हो, एक पहले वो कुर्बानी हो रही है, फिर अब ये मैं हूँ आपके साथ, लेकिन इसको अगर वो सही निकला कि वो गलत हो गया, इसको मुतमईन करना बहुत मुश्किल है इस लड़के को, ये मुतमईन नहीं होता। उसने राइस लिया, मैंने कॉटन लिया, बताए क्या सही जवाब जी? सही जवाब दिखाए क्या है, सी होगा, दे बता दू। शहजाद की तेरी खुश रहे, तेरी ना ख्वाहिश, देखिए एक तो गलत हो, शाहिद आफरीदी का एक, शाहिद आफरीदी ने उसी वक्त कहा कि दूसरे की खुशी में जो आपको खुशी मिलती है ना, ये देखे ना, मेरी खुशी में जो इनकी खुशी है ना, मैं खुशी में शामिल हूँ। असल काम ये किया, क्या पहनाना है, नंबर बताएं, नंबर बताओ। उन्होंने ये भी चॉइस दी जो पहनाना है यार, चॉइस भी उन्होंने क्या बताया, नंबर के बगैर चॉइस दी है ना, ना, ना शहजाद तुझे कसम है, ना 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 ना, अब मैंने साथ दिया तो ये देखो, इसलिए मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, ऐसे लोग मैं कुर्बानी दी है। ये देखे दोस्त आ गया, ये ना 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 यार, एक और है, डर गया, और है कुछ और है, वो दे दो यार, ये भी तो फेंक है, तो यार एक और फेंक दे, दो दो ऑप्शन दे, मलिंगा बना दो मुझे, वो अलग बना दो, क्या बना, ये दे दो, मलिंगा बन जाऊंगा ना, मलिंगा खराब करूंगा, सिर्फ ये एक शॉट आखिरी सवाल के बाद, आखिरी सवाल, सारे स्टेडियम में आपके फैंस पहन के फिर रहे होते हैं।
है ना, मोहब्बत में आपकी, ठीक है जी। गवादर ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन द 8th ऑफ दिसंबर व्हिच ईयर? गवादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन द 8th ऑफ, इट्स बिटवीन 1955 एंड 58, बट गवादर ऑफिशियली, गूगल कर लो इसे। नहीं गूगल गूगल क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया? टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। 1958 फिर तुम, मैं जो जवाब मैं दे रहा हूँ फिर वही कह रहे हो यार। देखे ये वही जवाब दे दिया, 58 है ना, मुझे याद है। नहीं लेकिन यार अभी पिछले जवाब में उन्होंने कुर्बानी दी यार, कि जो उन्होंने कहा वो आपको नहीं कहना चाहिए, जो कुर्बानी वाला नहीं है। ये कुर्बानी का बकरा बैल सब कुर्बान हो चुका है यार। भाई मुझे पता है मैंने जवाब सही दिया, मैं उतार रहा हूँ ये लो। ये उतार नहीं सकते, सही जवाब क्या है अभी तक पहना? सही जवाब 58 दिखाए जी, सही जवाब दिखाए। बिल्कुल सही है, शहजाद कुछ शहजाद सेड व्हाट यू सेड ना, तो शहजाद चूज करेगा ना। अब एक शहजाद लास्ट में एक चूज कर लो यार, इसके लिए शायद के लिए 95 बताया ना मैंने यार, मुझे तीन चीजें बना दी है उसको बनाया यार मुझे बनाया यार। वो पहले 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 उन्होंने चूज कर लिया था, इतना टाइट बांधे खुल नहीं रहा यार ये पीछे। और सवालात तो नहीं है ना? नहीं शहजाद चूज कर भाई, क्या क्यों यू हैव टू, क्यों? बिकॉज़ यू वर लेट, he was right and you were late. dekh teri flight hai, late na kar kaam, jaldi kar bhai, choose kar le bhai, 6 number le le, 6 number lao ji, 6 number aaye dekha na, to pehle bhi glasses se pehnaye hue, koi na nahi glasses mein waise hi smart lagta hai ye dekho, oh ho ho, wow wow. अच्छा जनाब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर शहजाद से सुनेंगे एक जबरदस्त सा मिली नगमा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और अब बारी है हमारे इस सेगमेंट की जो कि रैपिड फायर सेगमेंट है, और हम देखते हैं कि इसमें कितनी फायर है। तो पहला सवाल हम करेंगे लाला से, और सवाल यह है कि कोई ऐसा लड़का क्रिकेट में जो आपको लगता है कि पर्ची था या शायद सिफारिश था, लेकिन अब भाई बहुत आला क्रिकेट खेलता है, तो वहीं बैठ जाते पीछे, वहाँ भी सवाल आज चल रहे थे, यहाँ भी सवाल आते ही चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आज सवाल आते ही सवाल आते हैं, लेकिन इस तरह के आसान आसान सवाल पूछते हैं। आसान है ना? आसान है। वो मुश्किल थे कि पहले वो सारे सवालों के जवाब आते थे भाई को। शुक्र है शहजाद, मुझे तुम्हें पता था, लोगों ने हमें बहुत वो करना था, आपकी जो जनरल नॉलेज है उससे बड़ा इंप्रेस हुआ। पक्की बात है, वही सवाल आते हैं जो पता थे, छुपे हुए रुस्तम है यार, विक्षिक से बचने के चक्कर में इतना प्रेशराइज हो गया, सारी टोपियां चश्मे तुम दोनों ने मिलके मुझे बनाया, तुम्हारी किस्मत में थे हेडलॉक यार, इनकी किस्मत ही इतनी अच्छी है। अब इस सवाल का क्या कह रहे हैं, इनको क्रिकेट खेलते हुए बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता है, जब ये मारते हैं बाहर फुटबॉल की तरह, कभी और मिस भी होते थे, ये फुटबॉल फेस कर रहा हूं। अच्छा जी, हां जी, कोई लड़का जो आपको लगता है कि पर्ची, हां, और फिर खेल गया, हां, इस तरह। तो खैर बहुत सारे प्लेयर हैं जो शुरू में लगते थे कि यार ये क्या, लेकिन अपनी मेहनत से वो प्लेयर बने। किसका नाम लूं, शान मसूद, शुरू में उसके बारे में कि इसके वालिद साहब ये वो, लेकिन उस लड़के ने बड़ी मेहनत की और मुझे बहुत पसंद है एज अ ओपनर, बड़ी जबरदस्त टेक्निक, अगर किसी की ओपनर्स की नजर आई है किसी में तो शान मसूद के अंदर नजर आई है। शहजाद आपसे सवाल ये है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे हैं और बल्कि किसी एक का नाम लूं मैं, यह सबसे कमजोर जो आपको कुछ कह ना सके, बाद में मार ना सके, बंद ना करवा सके, कौन है? शायद सवाल आपसे पूछे। He wanted to share the play ना, कि दोनों खुद बड़ा सेफ खेलता ही है। मैं स्कूल का वो बच्चा हूँ जो साथ वाले बच्चे से पूछता है क्या है? साथ फंसते हैं मिलके यार, ये वो हमने वैसे मैंने देख लिया है, वो देख लिया मैंने। ठीक है जी, शाहिद आफरीदी, कौन सा क्रिकेटर बात बात पे नाराज हो जाता है? बात बात पे नाराज हो जाता है, अच्छा वो दूसरों की चीजों पे नाराज हो जाता है, उसको अपने ऊपर बिल्कुल उसका वो नहीं होता, नहीं होता। वो कौन? उसके उसको दूसरों के मसले बहुत ज्यादा वो लेके बैठ जाता है, उसके अपने मसले इतने ज्यादा है लेकिन दूसरों के मसले ये कौन है? है दो लड़के, उमर अकमर और अहमद शहजाद।
दूसरों की बड़ी फिकर होती है, ऐसा लगता नहीं है, पता नहीं चलता उनको, देखिए आप लोगों को लेकिन ज्यादा पता है उनके बारे में ना, यानी सब नहीं, नहीं, वो सारा उनका जो फोकस है ना वो दूसरे लोगों पे, दूसरों की गलतियां, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने टैलेंट, मैं हमेशा उनको खैर सपोर्ट ही करता रहा हूं क्रिकेट में, इवन अभी तक करता हूं, लेकिन दूसरों के मसलों को ज्यादा वो लोग लेते ठीक है। कौन सा सिंगर है जो गाना गाता तो है लेकिन समझ में नहीं आता? वो है मीका सिंह, एक सिंगर है वो, उसकी मुझे वर्ड्स कभी समझ नहीं आते, वो शायद पंजाबी बड़ी तेज पंजाबी, बट वो एक्सेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेंट है, बट लेकिन वर्ड्स मुझे एट टाइम्स समझ नहीं आते। हाँ उसका स्टाइल भी गाने का ऐसा है, ठीक है बिल्कुल सही जी। अच्छा जी शाहिद अफरीदी, मेरी बुक में इसके बारे में कुछ बातें मैं लिखना भूल गया। इसके बारे में वो बोल नहीं, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं थी, जो था सब कुछ लिख सब दिया कुछ था, सब कुछ, कोई ऐसा शख्स जो रह गया उसके भी नहीं, यानी जिसको आप सोचो कि यार इसका नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। इनकी तकरीरें, सम पॉलिटिशियन समबड़ी, इनकी तकरीरें मुल्क की तकदीर बदल सकती हैं? क्या किनकी तकरीर? तो बातें वो कर रहे हैं, किनकी, मैं ये तो कह रहा हूँ किनकी। अच्छा मैं बताऊं कि किनकी तकदीर मुल्क की तकदीर बदल सकती है? पॉलिटिशियन का नाम हो या किसी का भी, योर चॉइस, इट कुड बी पॉलिटिशियन आल्सो, कोई बहुत अच्छा बोलता हो। माने अब वो जिंदा नहीं है, बट मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर, हाँ ऑफ कोर्स, ओहो यार वो जो मोहम्मद अली बॉक्सर, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, क्या बात है। एक वो थे और एक मैल्कम एक्स, ये दो लोग हैं, ऑफ कोर्स, कमाल, जबरदस्त, नाइस नाइस वंडरफुल। ठीक है जी, लेकिन आपने सवाल पॉलिटिक्स का नहीं किया था इससे। हाँ मैंने कहा शायद इन्होंने इससे ज्यादा ऐसे लोगों का नाम ले लूं, इससे ज्यादा बड़े पॉलिटिकल लोग मैं नहीं समझता कि रेवोल्यूशन, इनकी सोच जो थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है अच्छा जी, अगर क्रिकेटर ना होता तो आज मैं ये होता? मुझे क्रिकेट के साथ साथ मुझे आर्मी का बहुत ज्यादा शौक था। ओ अच्छा, तो फौजी होते हैं? फौजी, अपनी आर्मी बनाई हुई है उन्होंने, नहीं अपनी आर्मी है, अपनी बनाई हुई है अभी भी, अफरीदी आर्मी है, एक खड़ा हुआ है नीचे, इतने बड़े बाल हैं उसके। मैंने पूछा कौन है, कह रहा है वो मेरे मुजाहिदीन है वो। अच्छा, इसके मुजाहिदीन थे। जरूरी है, वो भी जरूरी है। कमाल हेयर स्टाइल था उसका। अच्छा ओ व्हाई नॉट, मैंने कहा अफगान तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठा हुआ। ठीक है जी, कंधार तक पहुंच गए, कराची तक आगे नीचे खड़ा हुआ है। मेरी इस आदत से घर वाले बहुत परेशान है। कोई एक बता दो, बहुत सारी सोच रहे हो, बहुत सारी इतनी ज्यादा सोचा कौन सी बताओ। बट डिस्ट्रैक्ट जो मैं रहता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी, okay. कि ये कहा क्यों नहीं, कहा वक्त पे क्यों नहीं आया, खाना तुमने कहा था बनाओ, खाया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो ये एक आई थिंक एक ऐसा distracted जब मैं रहता हूँ ना, ये शिकायत। Is that distraction? Is that little carelessness कि यार ये कहा था लेकिन चलो भूल गया। उस पर मुझे बहुत काम रहता है। ठीक है। मेरी कौन सी ऐसी अपनी आदत है जिससे मैं ही परेशान हूँ? जिससे मैं ही परेशान हूँ कि यार ये आदत मेरे में नहीं होनी चाहिए। ये आदत नहीं होनी चाहिए। जल्दी मैं रहता हूँ चीजों को, कोई चीज कोई काम मेरे ऊपर आ जाए ना तो मैं चाहता हूँ काम उसी वक्त खत्म हो, ये कल परसों पे ना जाए, जो काम जिस वक्त हो सकता है उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करता हूँ उस चीज को, जल्दी यानी फौरन हो जाएगा, जल्दी जल्दी, वेट नहीं करना, नहीं वेट नहीं करना, लेकिन थोड़ा टाइम होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, चीज जरूरी है वो भी, वो जरूरी है, वो अपनी जगह, वो कहते जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दी में कभी कभी गलत, ज्यादा लंबा डिले कर भी नहीं सकता किसी काम को। हाँ वो नेचर भी होती है। अच्छा शहजाद, सवाल ये कि मैं तैयार होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाता। नहीं वैसे मैं तैयार होने में टाइम नहीं लगाता, ये खामा खाया बजा रहे हैं, ये बड़ा लंबा तैयार यार, इतना बड़ा एक उसमें वो आया है बैंग। नहीं नहीं बाकी मैं तैयार होने में टाइम, बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़, देखे मैं आपको सच बताता हूँ, मजाक सेट के ना इसने मेकअप किया ना वो मैंने मेकअप किया, हम दोनों ने तैयार होने में क्या टाइम लगा, बाल बनवाए, बाल बनवाए, बाल मैंने भी अच्छे बनवाए, बाल मैंने भी, सैलून में बैठा हुआ था वो जो स्टाइलिस्ट था उसने इसके बाल बना दिए थे और ठीक बनाए, मुतमईन ही नहीं था। ओ भाई तू मुतमईन नहीं था तो खुद घर से बना के आ जाता, उसके सामने क्यों बैठा है आगे, और वो तो अलग, फिर यहाँ पे भी आके स्टूडियो में भी आके उन्होंने तो इससे ये झूठ यार बोल रहा है यार।
निकाले सीसीटीवी फुटेज निकाले यार. बड़ी फिगर है इसको बंद. दोनों एक साथ हम अंदर गए और मैं जल्दी बाहर निकला. हुसन परस आदमी है, हुसन परस आदमी एंड तक बाहर नहीं निकला. ठीक है, सही. अच्छा, बहुत से क्रिकेटर्स ने स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, किसकी सबसे अच्छी है? अच्छा, मैंने किसी की यूज ही नहीं की, अपनी की है. मैं अब खासतौर पर ये अपनी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मेड इन पाकिस्तान भी, और जाहिर बात है मेरी चीज अगर मैं यूज ना करूँ मैं अपने फैंस को कैसे कह सकता हूँ या दोस्तों को कि आप यूज करें. तो मुझे पसंद आई है मैं इसी चीज को. जो ब्रांडेड चीजें थी ना उससे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा हूँ. बहुत यूज की है, अब थोड़ा नीचे की तरफ. मेड इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट? कुछ सही है, व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट जरूरी है. मुझे बचपन में प्यार से ये कहते थे, अलिफ. अच्छा, अलिफ तो फिल्म में अच्छी बात. हाँ, अच्छा. थैंक्स फॉर प्रमोटिंग द मूवी शायद. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. होप केयर कहते थे मुझे बचपन क्योंकि होप जिंदगी और केयर उसकी जरूरत. नाइस. ये वही बात ही पॉलिटिकली करे. नहीं भाई, इसका जवाब देते भाई, वो बात पे पॉलिटिक्स. अच्छा नहीं, मुझे बचपन में कुछ नहीं कहते थे. नहीं, बहुत सारे नाम थे ना वो. ठीक है, मुझे, मैं बहुत स्किनी होता था, कांगड़ी पहलवान कहते. कांगड़ी पहलवान. ये अक्सर बच्चे तो स्किनी, तो उनको ये नाम कहते थे. ये एक नाम मेरा बड़ा हुआ था तो ये. मुझे खवातीन की इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है यार. खवातीन की इस बात अपने ऊपर जो टाइम लगाते हैं ना मेकअप संवरने में, वो ये तभी सिर्फ बेचारे के बाल बनाने पे इतने ताने मिले उसको. ये जो मेकअप तो सही है ना, एक बंदा उनसे तंग हो, ठीक है, यहाँ पे इसका ये हाल. यार वैसे मैं रियलाइज कर रहा हूं, मैंने कहा कौन सा लड़का है जो अपने ऊपर इतना टाइम लगाता है. जैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह सही हो. जब जब इसने बाल बना लिए ना, पकड़ लिए बात ही. इसने बाल बना लिए ना तो जब मेरे बाल बारी आई आपकी तो ये बैठा हुआ था. ओ यानी बैठा भी देख रहा है मुझे कि कब खत्म हो गए. अब हम दोनों ने साथ निकलना था तो अभी मुझे, अब मुझे भी बुरा लग रहा था. मैं कह रहा जल्दी बना बाल यार, वो बैठा वो देख रहा मुझे. फिर बीच में देखा थोड़ी देर बाद शायद खुद आ गया यार, यहाँ से ऊपर से जरा ठीक कर यार. ऐसा मैं इसके बाल देख रहा हूँ, अब इसके बालों में उम्र के हिसाब से सफेदी आ जाती है. तुम उसको छुपाने के लिए सुरमा लगा रहे हो और पता नहीं क्या. अजय बड़े बड़े टीवी पे प्रोग्राम आ रहे, सच बोले तुमने यहाँ सारा सुरमा नहीं लगाया. ये व्हाइट बाल छुपाए कि नहीं छुपाए? मैं बताता हूँ. आप बताओ सच सच. लेके वकील बना हुआ है, काला कोट पहन के आया हुआ है जिसका. मैं बता रहा हूँ हम दोनों के बाल यहाँ से सफेद बाल हैं कुछ. अच्छा, हर चीज़ में मुझे शामिल करता है, मेरे जवाब भी कॉपी पेस्ट करता था. सुने हम दोनों के कुछ बाल सफेद हैं. अच्छा, हम इस पे बात कर रहे थे कि यार, मतलब हमने कहा कि यार ये यहाँ पर दो मारे हैं कुछ बाल सफेद, इसके बाल सफेद है. तो मैंने कहा तूने कैसे काले कर लिए? इसने कहा मैंने ये लगाया. मैंने कहा मुझे भी लगा. अच्छी बात है. अच्छा जनाब, अब सवाल मैंने कहा आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि मजीद बालों और कपड़ों की बात हो. तो इसमें से नाम निकलेंगे, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसमें से नाम निकलेंगे. आपने उनके बारे में कुछ बताना है. हो सकता है आपके लिए कोई गाना निकल आए, आप गाना गाएंगे, कोई क्रिकेटर का नाम निकल आएगा तो आप उनके बारे में बताएंगे. आप शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह जी, मिक्स तो करें ना अच्छी तरह. ठीक है, ये हो गया. मिसबाउल हक. हाँ, क्या बताएंगे जी मिसबाउल हक के बारे में, क्या बताएंगे? अच्छा ऐसा करते ना, निकालूंगा मैं, बताएगा वो जब निकालेगा तो मैं बताऊंगा. ये कर लेते हैं. हाँ ना, अपने रूल तो इसको वापस रखते हैं. तो अभी तो बता देना मिसबाउल हक के बारे में. अच्छा मिसबाउल हक का क्या बताऊं मैं, मिसबाउल हक के बारे में कुछ भी. मिसबाउल हक मिसबाउल हक एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत रही है. क्रिकेट आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, अच्छा कप्तान रहा टेस्ट क्रिकेट का, और मैं समझता हूँ कि अब ओडीआई और T20 की भी वही कोच है. थोड़ा सा प्लेयर्स का माइंड सेट अब चेंज करना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव और एग्रेसिव क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट खिलानी चाहिए प्लेयर्स को. जबरदस्त, सुन रहे हैं इनकी सलाह मशवरा. अब जो ये शहजाद जो निकालेगा पर्ची, वो यही बताएगा. पहली बारी तो होने दो यार. आवाज बैंड. हाँ, हारून ऑब्वियसली आवाज बैंड वाला. हाँ. अच्छा हारून के बारे में मैंने, और जब आवाज बैंड होता था बड़ा ही जबरदस्त बैंड था और हमने साथ टूर भी किया था. और हारून की सबसे मजेदार बात यह कि कमाल किस्म का एंटरप्रेन्योर है वो. और उसने एनिमेशन, ये जो बुर्का एवेंजर्स बनाया था, ये भी हारून ने बनाया. ब्रिलियंट यार. सो आई थिंक उसके इस चीज को कोई नहीं जानता. और अगर अंग्रेजी गाने इस मुल्क में कोई कमाल गा सकता है ना तो वो हारून है. अच्छा.
कमाल। That reminds me, बुर्का एवेंजर्स के बाद आया नहीं दोबारा बुर्का एवेंजर्स। वो अपनी एनिमेशन और उन चीजों में लगा हुआ, but I think he's doing a great job. ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, next. इंजिमाम उलग, पहले मिसबा उलग और अब इंजी भाई। हाँ, इंजी भाई जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर, आउट बैकबोन रहे जब तक वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते रहे, अच्छे कप्तान भी थे और मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल अच्छी बात। कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते उनके बारे में? एनसी भाई जो लोग ना जानते हो, रन आउट होते थे। अच्छा, सभी जानते हैं। हाँ, ये सभी जानते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट। फाखिर, अगेन आवाज, सेम बैंड। फाखिर प्रोड्यूसर है हमारे मुल्क का, लोगों को ये नहीं पता कि वो, अगर आपने कभी गाना बनाना हो तो फाखिर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान। कि आप उसको जाएं और कहें कि ये मैंने लिखा है या मैंने कुछ बनाना है, तो उसका जो म्यूजिक वो बनाता है पूरे गाने के अंदर, चाहे वो गिटार की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कीबोर्ड की हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान, नो डाउट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका हर गाना हिट होता है, लाइक एवरी सॉन्ग दैट यू कम आउट विद इज मोस्टली अ हिट। Is there a formula? फाखिर के भी सब गाने, मतलब सारे लोग हिट हो जाते हैं, कोई गाना ऐसा नहीं जो मिस होता हो? अच्छा, मैं वैसे I personally feel कि हर गाना हिट नहीं हो पाता है यार, लेकिन अगर कोई मेगा हिट नहीं होता लेकिन लोग सुनते जरूर, try करते हैं, बट लेकिन मुझे लगता है कि जो गाना एक जो फॉर्मूले के तौर पे आप गाना बनाते हैं वो तो बड़ा मसला है, उसके अंदर तो आई डोंट नो क्या होता है नहीं होता, बट जो गाना आप जेन्युइनली ये सोच के बनाते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो क्लिक कर जाएगा, लोग भी एंजॉय करें उसको। ठीक है जी, हाँ जी, फवाद आलम जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी उस लड़के ने, कभी हिम्मत नहीं हारी, उसको चांस नहीं भी मिल रहा था पाकिस्तान टीम से, लेकिन उसके बावजूद मेहनत करता रहा, अपने आप को बताता रहा कि मैं आई एम द बेस्ट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। टॉप परफॉर्मेंसेज उसकी रही है पाकिस्तान से, जब उसको चांस मिला उसने डिलीवर किया। ये एक बड़ा ग्रेट दूंगा मैं उस लड़के को कि उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और खेलता रहा। So, आप अगर हिम्मत ना हारे और मेहनत करते हैं तो वन डे यू कैन अचीव द गोल दैट यू थॉट ऑफ। ठीक है जी, शेख रशीद। वाह यार, शेख रशीद आपकी फेवरेट है ना, शेख रशीद इंतहाई कमाल किस्म का ह्यूमर है उनका, है ना, इंतहा से ज्यादा फनी है। हाँ, और मैंने देखा है कि जितने वो टीवी पर फनी है, अगर आप उनको वैसे जानते हो, उनका ह्यूमर जो है ना वो एक और लेवल का है। और मजेदार बात यह है कि जब आप उनके पास सामने बैठे बातचीत कर रहे हो तो वो आपको हर वो चीज बता देते हैं जो आप ना भी सुनना चाह रहे हो। नहीं, वो तो ठीक है, उनके काम जो काम जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए उस हवाले से बताओ ना, उसमें क्या करें। उन्होंने कहा जो मेरा दिल करे मैं बता दूं, लेकिन चलो उनका दिल कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री की दी हुई है ना। हाँ। भाई जिस तरह मैं क्रिकेटर्स का निकाल रहा हूँ कि बड़े अच्छे क्रिकेटर, हाँ। वो पॉलिटिशियन है, शेख रशीद का लोगों को बताओ, सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से। पॉलिटिशियन के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं ये बता सकता हूं कि मैंने ह्यूमर का बताया, मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी ह्यूमर लगती है। क्या ह्यूमर, बट ही इज अ गुड, उससे रेलवे तरक्की करेगा वो ह्यूमर से, मैं से पूछ रहा हूँ, वो बताएं, मुश्किल रेलवे ह्यूमर से कैसे तरक्की करे। नहीं, मेरा मतलब दिमाग होता है तो किसी चीज को चलाने के लिए दिमाग तो चाहिए। अब ऐसे इंटेलिजेंट आदमी का ह्यूमर अच्छा होता है। यूनस खान वो बंदा, उस इतना मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा किसी क्रिकेट में, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में, जिसने मेहनत करके बनाओ, वो कोई टैलेंटेड नहीं था यूनस खान, वो मेहनत से बना है। हाँ, वो अपनी मेहनत से बना है वो लड़का, वरना उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था क्रिकेट का, नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लेयर था, लेकिन उसने अपने आप को मेहनत से, बाकी इंट्रोवर्ट आदमी है वैसे वो, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, बड़ा अपने में रहते हैं और ज्यादा बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस इंसान है, ऑलवेज वेरी हंबल। अच्छा, लेकिन एक बात है कि आपने बोला कि अगर टैलेंटेड कोई नहीं होता, यानी एक बात सोच रहा हूं कि हाउ डज एनीबॉडी लाइक यहां तक पहुंचता ही कैसे जो इतना टैलेंटेड नहीं है, और फिर बाद में मेहनत करके, यानी एक सर्टन जगह पे आने के लिए, ये किस्मत की बात है कि वो आ गया कोई सामने। उसकी यूनुस खान की लाइफ मेरे सामने बहुत ज्यादा करीब है। ओके, उसकी फैमिली बहुत स्ट्रगल की है, उसकी फैमिली के अंदर इश्यूज वगैरह, लेकिन वो लड़का लड़ता रहा, खेलता रहा, उसने कभी अपने चेहरे पे अपनी बॉडी लैंग्वेज से फील होने नहीं दिया कि मेरे घर में कोई इंसिडेंट हुआ या ये है या वो है, वो खेलता रहा वो लड़का, इस चीज पे मुझे बहुत वेरी हंबल गाय। ठीक है जनाब, हमारा सेगमेंट तो ये भी खत्म हो गया, शो खत्म होने वाला है, लेकिन एक और गेम है जो शहजाद रॉय खेलना चाहते हैं। क्या गेम है भाई वो, डाइस वाली कहाँ है गेम जरा, बल्कि अगर लाला के तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना।
अच्छा ये बता दे कि हमने कश्मीर जा रहे थे जब हमने किया था, मैं कश्मीर मेरे ख्याल में किया था, क्या था वो, ये सीधा सीधा कर आप मुझे बताओ नंबर सोच रहे हैं, चल ठीक है क्या है, नहीं एक मिनट ये क्या, एक मिनट मुझे लोगों में बताना ये गेम क्या है यार, आपस में खेल चुके हमें भी तो, अच्छा हम ये समझ रहे थे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मैं और लाला कश्मीर जा रहे थे, आप उधर ही खड़े रहे, तो लाला ने कुछ चीजें सोची, हम ऐसे खेल रहे थे आपस में, लाला ने कहा यार कि मैं सोचता हूँ तो बता दे, तो मैंने भी इनका फोन कोड बता दिया आपके सामने। हाँ फोन कोड ब्रेक में शहजाद ने, यानी किसी का फोन कोड बताना यार, देखो इसको यार तुक्का था, तुक्का था इसको, नहीं मैं इसकी हरकतों पे हैरान हूँ यार, ये क्या, देखो ना यार, अच्छा अब आप ये ले जाए ये डाइस ले जाए, हाँ ठीक है डाइस निकला है शहजाद की पॉकेट में से, अच्छा चेक कर लूं सही है पूरे पुरजे, ठीक है जी अब क्या करेंगे हम, अब आप इसको रोल करें, अच्छा ऐसे ना आप अपने हाथ में करें उनको दिखाएं और आप दोनों देखें, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखें नहीं 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 ये वाला नहीं, देखें ठीक है, देखें ना यार अच्छी तरह देख लिया यार, देख लिया अच्छी तरह देख लिया, अच्छा अपने दिमाग में वो नंबर लिखे ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पे नंबर देखने दिमाग में लिखे ब्लैक बोर्ड हो गया लिख दिया, वन जबरदस्त यार, नहीं यार ये दिस इज टू ब्रिलियंट, एक और इधर यार, एक दफा यार ये कैसे यार, बड़ी बात है यार, चले यार कौन सा कैमरा देख रहे हो शहजाद यार, ये क्या चक्कर है, हाँ जी यार ये क्या है यार, ये नहीं समझ आए, नहीं पहले अपने दिमाग में, असल में आप लोगों ने दिमाग में देख के नंबर देखना है, देख रहे हैं, देख लिया दिमाग में भी आ गया, डाल दिया, नहीं आप दोनों एक साथ ना देखें ना, एक साथ ना देखें, अच्छा चले एक साथ देखें, दोबारा करें, देख लिया हमने एक साथ, नहीं दोबारा देख लें, देखें रोल करें इसको अच्छे तरीके से, और रोल करने के बाद अब देखें, देख रहे हैं आप, हाँ देख लिया, अब ऐसे आप अपने दिमाग में ब्लैक बोर्ड पे लिखें, लिख दिया सिक्स, अ हेल मैन व्हाट द हेल, ये क्या यार, खुदा हाफिज, यार शहजाद ये बात में सीखेंगे शहजाद से, ये अच्छा है यार, ये इंप्रेसिव है, अच्छा जनाब हमारा शो का वक्त खत्म हुआ है, 14 अगस्त का स्पेशल शो है ये हमारा, जाते जाते लाला हमारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम आप देना चाहोगे, पैगाम बहुत ही सिंपल है, 14 अगस्त ये हमारी एक मेरे और आपके वालदैन ने, पेरेंट्स ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, फलस्तीन कश्मीर इनकी मिसालें, ये लोग हमारे सामने हैं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, कोई इनसे जाके पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक नेमतों से भरा हुआ खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है, इसकी कदर करनी चाहिए, हर बड़ा इजी होता है दूसरों पे उंगली उठाना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है अपने आप से, इस मुल्क के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच शहजाद, आपके लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है जो अभी आ रहे हैं हमारे छोटे यंग, आई थिंक उनका जो एक कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो रहा है, बिकॉज वो जब देखते हैं इतनी डिस्पेयर डिस्पोंडेंसी उनको नज़र आती है, तो अनइवन ग्रोथ है, कहीं पर एक न्यूयॉर्क की तरह बिल्डिंग खड़ी हुई है और एक तरफ गटर खुला हुआ है, कराची में ही आप रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रीज़न टू बिलीव नहीं मिल रहा इस मुल्क के अंदर, सो उनको रीज़न टू बिलीव देने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मेक श्योर करना है कि उस यूथ को ये एहसास दिला दें कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर उनको ये बिलीव सिस्टम नहीं उनके अंदर आएगा तो फिर वो सारे जितने अच्छे ब्रेन हैं हमारे मुल्क के अंदर, डॉक्टर्स हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएंगे, वो रोकने के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गिव देम रीज़न टू बिलीव कि यहाँ पर अनइवन ग्रोथ नहीं है, हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जाते जाते हम शहजाद रॉय से सुनेंगे एक मिली नगमा, और नेक्स्ट वीक आपसे होगी हमारी मुलाकात, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान, आस बांध कर खड़ा है तस-मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी और बस अब नहीं होता, तो क्या करूं हिम्मत हार दूं, नहीं लगर लगर तू लगर खड़ रे तू खड़ रे तू पढ़ रे, आखिर के अंदर एक लाइन कह दूंगा, मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे, थैंक यू